फ्लूइड प्रेशर लिक्विड के प्रेशर को स्टडी करने का काम है। लिक्विड का प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है, मतलब अगर मैं पूछूं कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे जी फोर्स बाय एरिया, मैं कहूंगा कि इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कुछ भी नहीं, क्या मुश्किल है, फोर्स लो एरिया लो डिवाइड कर दो, बिल्कुल भी नहीं। लिक्विड का प्रेशर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप इसको डीप जब सोचेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे। मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ लिक्विड के प्रेशर के अंदर, या लिक्विड का प्रेशर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकलता है, पर फिर भी आप इनफाइनाइट बॉडीज़ का लिक्विड का प्रेशर निकाल भी नहीं पाएंगे, इस लेवल पे काम भी नहीं हो पाएगा, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हाँ, हमारी रेंज में जो +1 +2 में रेंज है वहाँ पर काम हो पाएगा। तो लिक्विड के प्रेशर के अंदर क्या बताया जाता है, सबसे पहले पुरानी कहानी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने स्टार्ट यहीं से किया हुआ है, जो बेसिक नब तो पकड़े कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे कैसे बता दें कि हाँ फोर्स बाय एरिया होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लिक्विड का प्रेशर लग क्यों रहा है। अगर आप भी लिक्विड के अंदर जाएं या पानी के अंदर जाएं, तो पानी हर तरफ से आपको फोर्स लगाता है, तो फिर आपको तो प्रेशर हर तरफ से लगना चाहिए, बिल्कुल हर तरफ से लग रहा है। तो इमेजिन कर लें कि ये एक एक्स पार्टिकल है पानी का, सराउंडेड बाय मैनी पार्टिकल्स, ये एक्स पार्टिकल है, इट इज सराउंडेड बाय मैनी पार्टिकल्स, ये बहुत सारे पार्टिकल इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं हर तरफ, और ये भी बदले में फोर्स लगा रहा है हर तरफ। तो जब फोर्स लग रहा है एक पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या फील कर रहा है, प्रेशर। प्रेशर होने का रीजन तो यही है, आपसी फोर्स, दो मॉलिक्यूल की, दो एटम की आपसी फोर्स है जो प्रेशर को क्रिएट कर रही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो ये डायग्राम सिर्फ ये बताता है कि एक्स पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल को पुश कर रहा है, और वो बहुत सारे पार्टिकल एक्स को पुश कर रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से, तो ये प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इसके अंदर ये बता रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फ्लूड प्रेशर में, मेन बात सीधी बात करता हूं। सपोज आपके पास एक कंटेनर है, और मैंने आपसे ये पूछा कि ये एक पार्टिकल है, इस पे नेट फोर्स लगेगी, इस पे फोर्स लगेगी, पानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो कहां लगाएगा ये बताओ, डायरेक्शन क्या होगी। अब प्रॉब्लम समझो क्या है, प्रेशर स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, कमाल की बात है, प्रेशर का वेक्टर नहीं है, फोर्स वेक्टर है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जो ये जो पार्टिकल है, ये बहुत सारे पानी के पार्टिकल के साथ सराउंडेड है, तो पड़ोस के पार्टिकल इस पे फोर्स यहां भी लगाएंगे, 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 और यहां भी लगाएगा। पर मैंने आपसे क्या पूछा, नेट फोर्स, एक फोर्स बोलो, अगर तुम इन सबका नेट फोर्स कंसिडर करो, वो नेट फोर्स हमेशा कंटेनर के 90 डिग्री पे ही आएगा। तो पानी की फोर्सेस हमेशा ऐसी लगती हैं कि नेट फोर्स हमेशा कंटेनर के परपेंडिकुलर आएगा। जैसे अगर मैं ये पूछूं इस पॉइंट पर फोर्स कहाँ लगेगी, अब लगेगी तो हर तरफ लगेगी, पड़ोस के पार्टिकल तो हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, पर आप नेट फोर्स वेक्टर सम से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल होती हुई सारी वर्टिकल फोर्सेस नीचे आ जाएंगे। पानी कभी लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस नहीं होता, पड़ा पड़ा पानी, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में कैंसिल करती हैं, राइट। तो यहां लोगे परपेंडिकुलर, यहां लोगे परपेंडिकुलर, तो ये इसका शॉर्टकट है, मतलब हम इसको करके नहीं देख रहे, पर मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि इस तरीके से आप फोर्स को टेढ़ा मत लेना, कंटेनर अगर सीधा है तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगी। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक। प्रेशर इसलिए स्केलर है क्योंकि एक पॉइंट पर मल्टी डायरेक्शन हो सकती है प्रेशर की। प्रेशर ये वाला पार्टिकल इधर, प्रेशर ये वाला पार्टिकल जो है इस पे प्रेशर यहाँ से, ये इधर भी प्रेशर लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी और इधर भी लगा रहा है, एक डायरेक्शन नहीं है, मल्टी डायरेक्शन हो सकती है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अभी बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि फ्लोटेशन कैसे होती है, देखो ये सब बहुत बेसिक है, हम इस लेवल पे नहीं काम करने वाले, ये मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं जस्ट आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि लोगों ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था। कोई बॉडी जब फ्लोट करती है तो ऑब्वियसली आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही हम लॉ लगाएंगे, जो आप सीख के आए हो सेम वैसे ही करेंगे, पर आर्किमिडीज ने कुछ तो सोचा होगा लॉ बनाने से पहले, कुछ तो रिसर्च की होगी, ये थोड़ा ना बैठे बैठे बोल दिया कि वेट डिस्प्लेस डेंसिटीज का काम कर दिया, कुछ तो सोचता ही है। उसने यही सोचा कि अगर ये बॉडी तैर रही है, फ्लोट कर रही है और रेस्ट पे है तैरती तैरती, तो पानी के पार्टिकल्स इसके बॉडी के पार्टिकल पे हर तरफ से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो आप कोई भी एक फोर्स ले लो, इसके दो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये फोर्स ले लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल,
अब ये पार्टिकल जो तैर रहा है वो लेफ्ट राइट तो तैर नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में क्या कर जाती हैं, कैंसल। तो ये देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैंसल करते जाएंगे, अब क्या बच गया, वर्टिकल। वर्टिकल फोर्सेस कहाँ एक्ट करेंगी, ऊपर 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 और ऊपर। तो पानी यानी कि इस बॉडी को ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और इस बॉडी का वेट कहाँ पर है, नीचे, एम जी नीचे। और पानी के सभी पार्टिकल इस बॉडी को नेट फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर। वर्टिकल फोर्स को ये हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो गई, तो अगर ऊपर की वर्टिकल फोर्सेस वेट को बैलेंस कर जाएं, ये बॉडी फ्लोट करेगी। इसका मतलब पानी के पार्टिकल ने फोर्स लगानी है, तो पानी के पार्टिकल की जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, अगर वो वेट को बैलेंस कर जाती है तो बॉडी तैर जाएगी। तो बेसिक प्रिंसिपल क्लियर है, पर हाँ हम इस लेवल पे फिजिक्स को नहीं चलाएंगे। मैं आपको जो एक एक पार्टिकल लूंगा, नहीं लूंगा। तो हम अपना काम कहाँ से शुरू करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आपकी कोई भी किताब जब स्टार्ट होती है वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होती, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। वो कहती है चलो जी डेफिनेशन ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर है क्या, प्रेशर है फोर्स बाय एरिया। अब आपका एरिया बड़ा भी हो सकता है, बड़े एरिया पे बड़ी फोर्स लग सकती है। तो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए अगर मैं डिवाइड करूं तो एवरेज प्रेशर आएगा, याद है कैलकुलस, एवरेज प्रेशर आएगा। और अगर मैं लिमिट लगा दूं और लिमिट में लिखूं डेल्टा ए अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि एरिया बहुत बहुत छोटा है, यानी कि मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं और पॉइंट का एरिया निग्लिजिबल होता है, तो ये क्या बन जाएगा, डी एफ बाय डी ए। तो ये प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन एट एनी पॉइंट। आपके एनसीईआरटी की किताब यहां से स्टार्ट करती है प्रेशर की डेफिनेशन। ऑब्जेक्टिव के अंदर मार्क करने को आ सकता है, प्रेशर को मार्क करो, ये डेफिनेशन लिखी जाती है। क्लियर है यहां तक? तो ऊपर वाली तो चलो अपनी तरफ से जस्ट मैं अलग अलग बुक्स में से मैंने पढ़ा हुआ है तो मैंने नोट किया हुआ है, हालांकि बुक्स वो वहां से चैप्टर स्टार्ट नहीं करती, और क्योंकि हमने भी पार्टिकल बाय पार्टिकल पे काम नहीं करना, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में आए कि हो कैसे रहा है ये प्रेशर का काम, इसलिए मैंने वो नोट किया हुआ है और आपको भी वही व्यू दिखा रहा हूं। तो ये प्रेशर है, प्रेशर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ।